हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि तकनीकी वेतमानों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है और कर्मचारी वर्तमान में जो वेतन ले रहे हैं उनका वर्तमान में जो वेतन ले रहे हैं उनका वेतन उससे कम नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होगी, केवल वेतन निर्धारण का पत्र जारी किया गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री ने मंगलवार को चंडीगढ़ दी। इनकी मांगे समय समय पर आपके सामने कितनी मीटिंग होती है और आपके सामने खुद बाइट देकर जाते हैं कि हम संतुष्ट हैं, मंत्री से संतुष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री से संतुष्ट है। इनकी जो मांगे हैं लगभग मैंने इनकी सारी बात मान ली थी। जो मेन इनकी मांग थी 8200 कर्मचारियों को रेगुलर करने की थी, जिसमें हमने 2003 से 2013 के बीच के ड्राइवर कंडक्टर जो जिनको SPL लगा हुआ था, हमने SPL को हटा दिया है कि ACP चालू कर दी है और उनको NPS स्कीम में काटना शुरू कर देंगे। जब दिसंबर की जो सैलरी मिलेगी तो उनको जनवरी में तो NPS काट के मिलेगी, तो उसके लिए पे फिक्सेशन वगैरह हमारा विभाग कर रहा है। दूसरा उनका मेन मुद्दा ये है, पीछे इधर मैंने TV में सुना था भाई हमें एरियर नहीं मिला, जबकि जब पूर्व सरकार में जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था रोडवेज कर्मचारियों की और सरकार की अंडरस्टैंडिंग हुई, तो उन्होंने कहा था हम एरियर नहीं लेंगे। और हमारे साथ भी मीटिंग हुई सब यूनियन के पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि हमने एफिडेविट दे रखे हैं बाकी हम दे देंगे। लगभग मेरे हिसाब से 90% से ज़्यादा कर्मचारियों के एफिडेविट हमारे पास हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें रेगुलर कर दें, हम एरियर छोड़ देंगे। लेकिन कुछ अपनी राजनीति के लिए संगठन के हिसाब से यूनियन के कई नेताओं के बयान आए हैं तो उन्होंने हमारे को एफिडेविट दे रखे हैं। दूसरा उन्होंने एक टेक्निकल स्केल की बात कही थी, वे जो नॉन टेक्निकल हैं उनके स्केल रिवर्स किए जा रहे हैं, जबकि यह है 1991 में जो ITI पास होल्डर थे उनका 3200 स्केल था और जो उसके 3 साल के बाद जैसे हमारे नॉन टेक्निकल स्टाफ थे उनको प्रीमियर जो क्या नाम अलाउंस दे करके उनको स्केल दिया था 950 से 1300 तक का बैंड था उनका, तो वो भी 3200 तक जाएंगे, लेकिन वो कुछ 6 डिपो में से उनको 4000 तक उनका कर दिया। तो वो डिफरेंस सर वो हम फिक्स इनकी चिट्ठी चाहिए लिखी थी भाई इसको किस प्रकार से रिव्यू करके पे फिक्स हो सकती है, पे फिक्सेशन के लिए कुछ चिट्ठी जारी की थी DG ने। वो कहते हैं कि हमारे पर रिकवरी डाल रहे हैं, अभी कोई रिकवरी नहीं डालेंगे, जो पहले सैलरी ले उसी हिसाब से हम सैलरी उनको देंगे। चंडीगढ़ से HS नागपाल सबसे फास्ट आमने सामने।